अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं BTM इलेक्ट्रिक। मैं हूं रियाजुल इस्लाम। तो दोस्तों, आज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए जा रहा हूं। ये सामान है, तो ट्रांसफार्मर की ये TTR है, टर्न रेशो चेक करने की ट्रांसफार्मर की। तो अब ट्रांसफार्मर के पास पहुंचने वाला हूं। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पोल के पास पहुँच गया हूँ। ये दो ट्रांसफार्मर है, एक पीले कलर का है और एक ग्रे कलर का है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं दोनों ट्रांसफार्मर के लिंक उतारूँगा और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपको मैं बताऊँगा। ये एक येलो कलर का ट्रांसफार्मर है, दूसरा ग्रे कलर का है। जो ये अब जिसके मैं लिंक उतारा हूँ, इसी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है कि वोल्टेज कम निकाल रहा है। तो इसकी टेस्टिंग अब करूँगा। तो लिंक उतारने के बाद अब ये बेल्ट में बांध रहा हूँ। बेल्ट बांधना सेफ्टी होती है, एक लाजमी होता है, हेलमेट भी लगाना। ये दूसरा दोस्त मेरे साथ ऊपर पोल पे चढ़ेगा। अब जो ट्रांसफार्मर के जो लिंक यूनिट है वो दूर है, तो इसलिए जो है अब ये दोस्त ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम कनेक्शन खोलने लगे हैं। यहाँ पर एहतियात लाजमी है। बाज़ एक जो है इंडस्ट्रीज वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसकी जो LT साइट होती है कनेक्शन की, इसमें बैक वोल्ट बिजली आ रही, उसके लिए आपने ग्लव्स लगाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो थी सप्लाई नहीं थी, इसमें ये क्रश प्लांट का था, सप्लाई इसकी बंद थी, तो इसमें बैक वोल्ट बिजली आने का कोई ख़तरा नहीं था। तो यहाँ पर अब कनेक्शन हमने खोल दिए हैं। इसके बाद चिनकोपी में ऊपर चढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करता हूँ, बेल्ट को मजबूत करता हूँ, बेल्ट को बांधता हूँ। तो यहाँ पर अभी ग्लव्स लगा के अब इस यहाँ नीचे से दूसरा दोस्त चिनकोपी पकड़ाएगा मुझे, फिर चिनकोपी जो है वो मैं ऊपर पोल के साथ बांधूँगा, मजबूत करूँगा, उससे मैं ट्रांसफार्मर फिर उतारूँगा। ये चिनकोपी है, ये बहुत भारी होती है। तो अब इसको मैंने यहाँ पर पोल के साथ बांधी है यहाँ पर। अब इसको फिट करके उसके बाद ट्रांसफार्मर को हम उतारेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ट्रांसफार्मर को मैं बांधूँगा। थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे जंजीर को। कितनी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर को मैंने बांध लिया है, इसको अब हम थोड़ा उठाएंगे। जो ट्रांसफार्मर के नीचे जो क्रॉस है, चैनल है, उसको लूज़ करेंगे। यहाँ ट्रांसफार्मर को मैंने बांध दिया है। अब ये नीचे चैनल आप देख सकते हैं, इस चैनल को हम अभी लूज़ करेंगे और या निकालेंगे या इसको लूज़ करके पीछे की तरफ धकेलेंगे। यहाँ इसके काबले लगे होते हैं, रिकाब लगे होते हैं इसको, और ये रिकाब हम लूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लूज़ कर दिए हैं, चैनल को पीछे तरफ हमने मोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमने नीचे ज़मीन पर उतार दिया है, आपको ये चिनकोपी वो ऊपर है। तो ट्रांसफार्मर नीचे उतर गया, अभी बादल भी आ गए हैं। बादल जब अब बारिश का मौसम हो तो ट्रांसफार्मर हम फिर नहीं खोल सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने खोल दिया है, मौसम थोड़ा साफ हो गया है। अब ट्रांसफार्मर की जो नट बोल्ट्स है वो हमने सब सारे खोल दिए, ट्रांसफार्मर हमने उठा लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ये वोल्टेज कम निकाल रहा है। अब हम इसकी जो TTR है वो चेक करेंगे। यहाँ पर अब हम इसकी टर्न रेशो चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो टर्न रेशो है, जिसको टर्न है वो ज़्यादा है। यहाँ पर हमने इसके जो टर्न थे वो हमने बराबर कर दिए हैं, जितने होने चाहिए थे तो वो हमने बराबर कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर अपने हमने वापस बंद कर दिया है। अब ये दोस्त आगे हैं मोहल्ले वाले, तो ये अब उठा रहे हैं ऊपर। तो ये अब ट्रांसफार्मर पे हमने ऊपर जो ट्रांसफार्मर है वो हमने वापस चैनल के ऊपर रख दिया है और चिनकोपी खोल दी है। यहाँ पर अब ये LT कनेक्शन आप देख सकते हैं, LT बुश आप देख सकते हैं, चार बुश होते हैं,
एक न्यूट्रल और तीन फेज होते हैं, और तीन जो बड़े बुश हैं ये एच टी बुश है, इसको यहाँ ओके 11,000 लाइन आएगी। ये लिंक है ऊपर और ये 11,000 लाइन इसमें हमने अब कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,000 लाइन इसमें हमने जो ऊपर से आ रही है, लिंक के नीचे जो लाइन है वो नहीं आ रही है क्योंकि हमने लिंक लगाई नहीं है। यहाँ से एल टी कनेक्शन आप करेंगे, ये न्यूट्रल है और यहाँ ये रेड फेज है, ये ब्लू येलो फेज है और ब्लू फेज है। यहाँ पर हम थ्री कोर केबल इसमें फिट करेंगे, ये हमने नई केबल लाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन फेज है, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल। हम अलग तार जो सर्विस तार है आम तार वही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड तार हमने इसमें अब हम फिट कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनें चल गई हैं, मुझे थोड़ी इमरजेंसी हुई तो मैंने जाना था, इसलिए जो पैनल बक्स है वहाँ तक मैं नहीं जा सका। तो यहाँ पर अब मशीनरी सिर्फ मोटर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो इनकी वोल्टेज है वो बराबर हो गई है। पहले 300 वोल्टेज आ रही थी, फिर अब इंशाल्लाह माशाल्लाह 400 तक हमने वोल्टेज जो है इसके बराबर कर दी है। ये ट्रांसफार्मर से पहले हमने केबल लगाई थी, यहाँ पर सारे कनेक्शन हमने इसके चेक किए थे कि क्या इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ से हमने सारा कुछ क्लियर किया। थ्री कोर केबल जो है ये हमने नई लगाई है, पुरानी जो थी वो चोरी हो गई थी और यहाँ पर नई लाई है तो हमने नई इंस्टॉल कर दी है। दोबारा जो मशीनरी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी वगैरह चल रही है बिल्कुल ज़बरदस्त A1। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।